कोई अनुपस्थित है। गुरुवर, कुंवर प्रताप वे अनुपस्थित है। ये पहली और अंतिम बार है कि आपसे बिना कुछ पूछे आपने उस बात का उत्तर दिया। आज के पश्चात आप तभी उत्तर देंगे जब आपसे कुछ पूछा जाएगा, अन्यथा वो दिन इस आश्रम में आपका अंतिम दिन होगा। जी गुरुवर। कार्यकाल आरंभ करने से पहले सभी शिष्य कुछ शब्दों में अपना अपना परिचय देंगे। ध्यान रहे, ये परिचय हमारे जानने योग्य संपूर्ण परिचय होना चाहिए, क्योंकि आश्रम में आप इसी के अनुसार जाने जाएंगे। भविष्य में आपकी पहचान वही होगी जो आप इस आश्रम से बनकर निकलेंगे, यदि आप अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाए तो। गुरुवर, हमारा नाम विनीदास आचार्य है। हम मेवाड़ के राजवैद्य और आयुर्वेद के प्रचंड पंडित बिस्कचार्य खेमा जी के पुत्र। दूसरा शिष्य। पर गुरुवर, हमारा परिचय पूरा नहीं हुआ। जब तक आपकी आंखों में विनम्रता नहीं आ जाती, आप इसे अपनी आंखों पर बांध के रखेंगे। पर गुरुवर ऐसा। सबसे पहले तो परम पूज्य आचार्य जी का इस तुच्छ शिष्य का सादर प्रणाम। हमारा नाम है चक्रपाणि मिश्र। समस्त राजपुताना में संस्कृत और शास्त्रों के ज्ञाता पंडित उग्र मिश्र हमारे परम पूज्य पिताश्री है, अजिंकी वंचावली। जो बात एक शब्द में पूरी हो सकती उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग करना अनुचित है। आप आवश्यकता से ज्यादा बोल चुके। प्रणाम गुरुवर। मान सिंह, हमारी माँ कहती है कि गुरुवर हमें बहुत बल है और ये हमारा विश्वास है कि आपसे शिक्षा लेकर हम इस देश के लिए बहुमूल्य वीर बन जाएंगे। आपकी शिक्षा अभी से आरंभ करते हैं। हिलाइए हमारे हाथ को। एक सच्चे योद्धा का सर्वश्रेष्ठ गुण उसकी विनम्रता होती है। कुंवर प्रताप अब तक नहीं आया। आप अपने परिचय में ये कहना चाहते हैं कि आप मेवाड़ के राणा उदय सिंह के पुत्र शक्ति सिंह हैं, तो आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं। कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। गुरुवर, हम यहाँ पर एक राजकुमार नहीं, मात्र आपके ऐसे एक तुच्छ शिष्य हैं, जिसके पास ना तो आपसे बात करनी योग्य बुद्धि है और ना ही आपको प्रभावित करने योग्य ज्ञान। हम यहाँ पर ऐसी कच्ची मिट्टी की तरह आए हैं जिसे आपके योग्य हाथ जैसा भी आकार देंगे, हम पूरे समर्पण के साथ वैसा ही आकार ले लेंगे। रात भर रख के आए प्रभावशाली परिचय। आज का कार्यकाल आरंभ करते हुए आचार्य जी, प्रणाम गुरुवर। स्वयं को मेवाड़ के भविष्य कहने वाले शिक्षा के लिए पहले ही दिन आश्रम में आने में इतना विलंब का कारण जान सकते हैं कुंवर? वो अश्वरक्षक हमारा अश्व लेकर अस्तबल चला गया था,
इसीलिए हमने सोचा कि हम पर सोचा कि आप दौड़कर अश्व से भी पहले पहुंच जाए। जी आगे होंगे, विश्राम कर लीजिए, इनके लिए जल का प्रबंध किया जाए। नहीं नहीं आचार्य जी, हम थके नहीं हैं, हम पढ़ सकते हैं। आपके महल से आश्रम की दूरी कम नहीं, कर लीजिए विश्राम। धन्यवाद गुरुवर। राजकुमार है ना, इनको कौन कुछ कहेगा भला। डन, राजकुमारों के लिए थोड़ी ना होता है। अब सब अपना स्थान ग्रहण करें। हमें तो लगा था कि हमें अवश्य कोई कड़ा दंड मिलेगा। आप सब हमारा अनुसरण करते हुए गणेश वंदना करेंगे। ओम शुक्लम वर्धम विष्णु, ओम शुक्लम वर्धम विष्णु, शशिवर्णम चतुर्भुजम, शशिवर्णम चतुर्भुजम, प्रसन्न वदनम ध्याये, प्रसन्न वदनम ध्याये, सर्व विघ्नम प्रशन्ते, सर्व विघ्नम प्रशन्ते। क्या आप में से कोई हमें श्लोक का महत्व बताएगा? सबसे पहला महत्व तो ये आचार्य जी कि जब भी हमें कोई शुभ कार्य करना होता है तो हमें सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की वंदना करनी चाहिए। ये संतोषजनक उत्तर नहीं। और कोई? ये वो श्लोक है जो हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण चक्र को खोलता है। वो चक्र हमारे रीढ़ रूपी मूल के आधार में होता है, मूलाधार चक्र। इस चक्र में असीम शक्ति छिपी होती है, किंतु साधारण जन इस असीम ऊर्जा का अंश भर ही शरीर और मस्तिष्क से प्रयोग में लाते हैं, जो गणपति को प्रसन्न करते हैं। गणपति आदिपति, वो मूलाधार चक्र की इस असीम ऊर्जा को श्लोक की चमत्कारी ध्वनि से ऊर्जा के स्रोत को प्राप्त करके वो मानव साधारण से असाधारण हो जाते हैं। शिक्षा के क्रमबद्ध का विवरण करने से पूर्व हम चाहते हैं कि आप सब शीघ्रता, कुशलता और शुद्धता के साथ 108 बार सूर्य नमस्कार करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार उत्तम स्तर के शारीरिक और बौद्धिक विकास की एकमात्र पूंजी है। इसी कारणवश हमारे आश्रम के वरिष्ठ शिष्य आपके समक्ष सूर्य नमस्कार करेंगे और आप उनका अनुसरण करें। आप नहीं, कैसा लग रहा है विश्राम करने के पश्चात? दोस्त सहज जी गुरुवर, अब आप जैसा कहे हम कर सकते हैं। आपके महल के बाहर एक अति सुंदर वृक्ष है और इस समय उस वृक्ष पर सुंदर सुंदर श्वेत पुष्प लगे हुए हैं। हाँ, उन श्वेत पुष्पों में से भिनी भिनी सुगंध भी आती है। हम चाहते हैं कि आप जाएं और उन पुष्पों को लेके आएं। जी गुरुवर, हम कल आते समय वे श्वेत पुष्प लेकर आएंगे। कल क्यों, आज क्यों नहीं? आश्रम आने में विलंब आपने आज किया है तो दंड भी तो आपको आज ही मिलना चाहिए।
जिस प्रकार आप चलते हुए आश्रम आए थे, उसी प्रकार आप अपने पैरों पर चलते हुए जाएंगे और वैसे ही लौटेंगे भी। अभी जाए गुरुवर? स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, सहज महसूस कर रहे हैं, फिर विलंब किस चीज के लिए? आप सभी को तो सूर्य नमस्कार सिखा रहे हैं। इन्हें सूर्य नमस्कार सीखने में अभी समय लगेगा और ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी शीघ्रता से पुष्प लेके लौटेंगे। परंतु गुरुवर। परंतु मैं अब समय व्यर्थ ना करें। ऐसा ना हो कि आपके साथियों के लिए प्रसिद्ध मलाई मंगवाने के लिए आपको तलहटी भेजना पड़े। जो आज्ञा गुरुवर। भाई जान, समझ में नहीं आ रहा आखिर हम जा कौन है? शम्स, तुम्हें वो मेवाड़ी जासूस याद है? जब हम उसका सर कलम कर रहे थे तो मरने से पहले उसके चेहरे पर खौफ नहीं, फक्रता फक्र। याद है उस वक्त वो क्या कह रहा? कि मेवाड़ का मुस्तकबिल प्रताप है। प्रताप जिस तलवार की धार से उन्होंने तुम्हारे भाई शम्स के सैनिकों को काट डाला था, अफगानी झंडा हटा उन्होंने मेवाड़ी ध्वज फहराया था। भूल से भी कभी मेवाड़ की तरफ मत देख, नहीं तो प्रताप के तेज से तुम दोनों भाइयों की आंखें जल जाएंगी। कितने यकीन और फख्र के साथ कह रहा था वो ये बात। इसका मतलब प्रताप ही वो खंबा है जिस पर मेवाड़ की रियासत का सारा हाल और मुस्तकबिल टिका है। यही बात तो हम आपको कब से कह रहे हैं भाईजान। हमारे चेहरे और जहन का खौफ बन चुका है। सभी विद्यार्थी हाथ जोड़कर सूर्य को नमस्कार करेंगे। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे और पीछे की तरफ मुड़ेंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथ को आगे करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और अपना हाथ जमीन पर रख देंगे। और अंत में फिर से सूर्य को नमस्कार कीजिए। ये हुआ आपका सूर्य नमस्कार। इसको हम 108 बार करेंगे। क्या लगता है जो काम शमशान की पूरी फौज नहीं कर पाई वो काम आपका एक मामूली भाड़े का कातिल कर देगा? खोखार रूहें तो कांपती हैं उसके नाम से, कमजोर दिल के लोग तो दिन के उजाले में भी उस जगह नहीं आते जहाँ उसके आने का अंदेशा हो। ऊपर वाले ने उसे हर तरह का शिकार करने का हुनर बख्शा है। प्रताप जिंदा नहीं बच सकता उसके चंगुल से। शाम्स,
जो हमारा कर्ज था तुम पर, जो कॉल तुमने हमें दिया था, बस वही याद दिलाने आए हैं बशर। तुमने हमें जुबान दी थी कि तुम हमारे लिए काम करोगे। हमें पता है कि तुम दूसरों के लिए काम नहीं करते हो, लेकिन हमारा कर्ज बकाया है तुम पर, चाहो तो चुका सकते हो। एक काम करो, बस एक छोटा सा बच्चा है बशर, शहजादा है मेवार का, प्रताप, खत्म कर दो उसे, मार दो उसे। हम तुम्हें इतनी जागीरें बख्शेंगे बशर खान, इतनी जागीरें बख्शेंगे कि तुम्हारी 100 पुश्तें बैठी खाएंगी। मेवाड़ का राजकुमार बड़ा दिलचस्प और मजेदार शिकार। बहुत दुख की बात है कि आप में से कोई भी लक्ष्य के पास तक नहीं पहुंच पाया, विशेषकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के उपरांत। मान सिंह, आप में तो बहुत बल था, क्या हुआ? चक्रपाणि, आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व आप अपने मस्तिष्क के सभी विचार बाहर छोड़ के आएंगे। दास, आपकी आंखों पर कल भी पट्टी बंधी रहेगी। और शक्ति सिंह, आप परिचय प्रभावशाली, किंतु वास्तव में आप लक्ष्य से हार गए। आज का कार्यकाल समाप्त होता है, कल के लिए गुरुवर। कल जो शिष्य 108 बार सूर्य नमस्कार करेंगे, केवल वही शिष्य शिक्षा के अगले पड़ाव के योग्य होंगे। पर गुरुवर, हमने तो सीखा ही नहीं सूर्य नमस्कार, और हम थे भी नहीं यहाँ पर। हम आपको सिखाते समय भी नहीं देखे थे। हम आश्रम में विलंब से आ पाए, तो ये हमारी समस्या नहीं कि आप कैसे।